ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन। एग्जांपल लेते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बी ए का सॉल्यूशन हम बनाएंगे। कंडीशन लिखना पड़ेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अब पानी खूब ज्यादा प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, देखो जरा। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आयन बनाएगा, बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, ये दो आयन्स पानी में रहेंगे। लेकिन वाटर खूब ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इन दो आयन्स में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहेगा। अब अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होने के कारण क्या होगा, ये आयन्स रैंडम मैनर में इधर उधर मूव होंगे, सभी डायरेक्शन में मूव होते हैं रैंडम मैनर में, भटक के आत्मा की तरह, जिसके कारण हम क्या कहेंगे कि इन आयन्स का जो माइग्रेशन रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब यहां देखो जरा, ये जो ए नेगेटिव है उसको कहना को आयन ऑफ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को कहना को आयन ऑफ ए नेगेटिव, और इन दोनों आयन्स का माइग्रेशन किसी दूसरे आयन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इसलिए क्या कहा जाता कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। बाद में यही आयन्स क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। किस प्रकार से, देखो जरा, तो लैम्डा नॉट ऑफ बी ए इक्वल्स लैम्डा नॉट ऑफ बी पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ ए नेगेटिव। अब ये क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको पढ़ना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट के टोटल मोलर कंडक्टिविटी में ये आयन्स खुद का कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो इस एनायन पे डिपेंड नहीं रहेगा, एनायन के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहेगा लैम्बडा का वो कैटायन पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये इन दोनों की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहती है, खुद की प्रॉपर्टी रहती है। Therefore, total molar conductivity of an electrolyte is equal to sum of molar conductivities of constituent ions at infinite dilution. तो कोलगोस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट किस प्रकार से रहेगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली of its co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of other ion with which it is associated or coupled। conclude मतलब क्या होगा कि इसका वैल्यू इस एनायन के वैल्यू पे डिपेंड नहीं रहेगा, एनायन का लिए जो लैम्बडा का वैल्यू रहेगा वो कैटायन पे डिपेंड नहीं रहेगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे ज्यादा कि कैसे लैम्बडा नॉट निकालना। लैम्बडा नॉट ऑफ के सी एल इक्वल्स लैम्बडा नॉट ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ सेल निकल, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैम्बडा नॉट ऑफ बी ए ओ एच ट्वाइस कैसे निकालोगे, तो यहां रहेगा लैम्बडा नॉट ऑफ बी ए टू पॉजिटिव प्लस। अब देखो बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन बनाता है ये आपको पता होना जरूरी है, इट प्रोड्यूसेस बी ए टू पॉजिटिव एंड टू मोल्स ऑफ ओ एच नेगेटिव, देयरफॉर यहां टू लिखना पड़ेगा लैम्बडा नॉट ऑफ ओ एच नेगेटिव। देन लैम्बडा नॉट ऑफ ए एल सी एल थ्री इक्वल्स रहेगा, ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, ए एल थ्री पॉजिटिव, देयरफॉर लैम्बडा नॉट ऑफ ए एल थ्री पॉजिटिव प्लस 3 moles of Cl negative, therefore 3 into lambda naught of Cl negative. Lambda naught of Al2SO4 thrice. कैसे निकालोगे? ये आयन्स कौन से प्रोड्यूस करेगा? 2 moles of Al3 positive, therefore 2 into lambda naught of Al3 positive plus 3 moles of sulfate ions, therefore 3 into lambda naught of SO4 2 negative ions. इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय।